हाय एवरीवन सो आज हमें अपना फिफ्थ चैप्टर करना है दैट इज़ अंडरग्राउंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड अंडरग्राउंड देखो यहाँ पर कुछ पिक्स पिक्चर्स दी हुई हैं हम उससे बता सकते हैं कि ये जमीन के नीचे अंडरग्राउंड मीन्स क्या होता है जो जमीन होती है ना उसके नीचे जो रहते हैं सो so, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं रेड टॉट पैजमोल फोक्स स्नैक्स एंड सम एग्जाम्पल्स आर गिवन ऑन सेकेंड पेज देखो यहाँ पे ऐसे दे रखे हैं ना तो हम इजीली बता सकते हैं कि कौन से एनिमल्स अंडरग्राउंड रहते हैं सो so, हमें आज इसकी एक्सरसाइज करनी है लेट्स स्टार्ट विथ कंप्रीहसन पार्ट फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड फ्रॉम द पोए फर्स्ट पार्ट है फिल जिसमें हमें पोएम से ही भरने हैं तो देखो फर्स्ट है अंडरग्राउंड लाइफ हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज आ किंगडम तो ये फ़िलप में क्या आएगा किंगडम बाय द पोइट सेकेंड इट इज़ पॉपुलेटेड बाई मैनी एनिमल्स सच एज रेबिट्स मोल्स एंड आंट्स थर्ड द डैश ऑफ द ट्रीज बिल्डिंग डर द ग्राउंड ओके तो ये इसका बी ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का सेकेंड क्या है द फ्रेज दैर शोज दैट आंस लिव टूगेदर इज़ पॉपुलस एम्पायर्स इसका थर्ड ओके थर्ड देखिए हाउ डू सम स्लीपिंग एनिमल्स गेट डिस्टर्ब तो जो स्लीपिंग एनिमल्स होते हैं जो सॉरी होते हैं वो कैसे डिस्टर्ब हो जाते हैं थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट बाय द हुमेंस डिगिंग विद द स्पेड ऑफ फोक फोर्थ ऑप्शन द अंडरग्राउंड हैज़ बीन कॉल्ड द कंट्री ऑफ द डेड बिकॉज अंडरग्राउंड को कंट्री ऑफ डेड क्यों कहा जाता है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट इट इज़ क्वाइट एंड देयर इज नो लाइट एज इफ देयर इज़ नो लाइफ अंडरग्राउंड थर्ड जो पार्ट है आपका वो क्वेश्चन आंसर से वो की जो कि आप नेक्स्ट वीडियोज में मिलेंगे आपको ओके सो वी हैव टू स्टार्ट नाउ वो कैबलरी वो कैबलरी में क्या है सिमलीज़ तो सिमली क्या होता है एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें कि कंपैरिजन होता है किसी पर्सन का या किसी थिंग का किसी दूसरी चीज़ के साथ द टू पीपल और थिंग्स कंपेयर्ड विद ईच अदर आर कम्प्लीटली डिफरेंट सो जो दो पीपल या दो थिंग्स कंपेयर की जाती है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती है असिम्बली इज़ यूज़ टू मेक द डिस्क्रिप्शन मोर इम्फेटिक एंड क्लियर सिम्बलीज़ यूज़ द वर्ड लाइक और एज सो सिम्बलीज जब होती है तो उससे अच्छे से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसमें लाइक like या फिर एज वर्ड का यूज़ होता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द सोल्जर वॉज एज ब्रेव एज अ लोव देखो यहाँ पे एज़ का यूज़ हो गया ना ठीक है नेक्स्ट क्या है हेयर द सोल्जर एंड द लोयन आर वेरी डिफरेंट बट दे आर करेज और ब्रेवरी इज सिमिलर यहाँ पे सोल्जर और लोयन बिल्कुल डिफरेंट है एक तो पीपल है एंड सेकेंड क्या है एनिमल है तो उनके जो करेज है उसकी जो ब्रेवरी है वो तो सिमिलर है इसीलिए हमने इन दोनों को कंपेयर किया है इन द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम्स द रॉक्स अंडर द अर्थ आर बींग कम्पेयर टू बोन्स इन अ बॉडी दिस इज़ अ सिम्बली सो इस पोएम में जो रोक होती है अर्थ की वो अपनी बॉडी के बोन्स से कंपेयर की गई है डीप डाउन द बरीड रोक्स एंड स्टोन्स आर लाइक अर्थ लाइक जिग्नेटिक बन्स सो अब हम अपनी एक्सरसाइज पर आते हैं सो फर्स्ट देखिए आइडेंटिफाई द सिम्बली इज़ इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज से वट इज़ बीग कम्पेयर सो हमें आइडेंटिफाई करनी है कि सिमली कौन सी है और उसमें क्या चीज़ किससे कंपेयर की गई है सो so फर्स्ट है टोनी इज़ एज़ मीक एज़ लैम तो इसमें एज है पता लग गया सो so इसमें किसको किससे किया गया है टोमी को कंपेयर किया है एक लैम से सेकेंड माई डोग फॉलोज मी लाइक माई शेडो तो इसमें जो डोग है डोग इज़ कंपेयर टू अ शेडो डोग को एक शेडो से कंपेयर किया गया है थर्ड है आई एम एज़ ब्लाइंड एज अ बैट विदाउट माई स्पेक्टेकल्स द स्पीकर कंपेयर्स हिमसेल्फ़ हॉरसेल्फ टू अ बैट तो जो स्पीकर है वो खुद को एक बैट से कंपेयर कर रहा है यहाँ पे हमने हिमसेल्फ और हर सेल्फ क्यों लगाया क्योंकि हमें नहीं पता कि स्पीकर मीन्स कहने वाला लड़का है या लड़की यहाँ पे सिर्फ आई दे रखा है सो वी यूज़ हिमसेल्फ स्लेश हर सेल्फ फोर्थ माई ब्रदर इज़ एज स्लो एज आ स्नेल इन डूइंग हिज वर्क तो द स्पीकर हिज़ हर ब्रदर टू आ स्नेल तो जो स्पीकर है वो अपने भाई को एक स्नेल से कंपेयर कर रहा है या कर रही है यहाँ पे भी हिज़ स्श हर फिफ्थ है टूडे इज़ अ लास्ट एग्जाम फ्रॉम टुमोरो आई विल बी एज फ्री एज अ बर्ड सो यहाँ पे द स्पीकर कंपेयर्स हिमसेल्फ हर सेल्फ टू अ बर्ड यहाँ पर भी देखो नहीं पता किस तो कहने वाला है वो लड़का है या लड़की तो हम यहाँ पे हिमसेल्फ और हर सेल्फ को यूज़ करेंगे अब देखते हैं बी पार्ट री राइट द सन्टेंस इज़ यूजिंग सिमलिज फ्रॉम द बुक्स तो हमें यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हैं हमें उनको दोबारा से रीराइट करना है ठीक है सिमलीज का यूज़ करके फर्स्ट इज डन फॉर यू सो फर्स्ट इन्होंने खुद ने करके दे रखा है हमें ऐसे ही वो बना के लिखने हैं वरुण इज लेजी वरुण इज एज लेजी एज अ स्लो ठीक है अब देखो सेकेंड हमें खुद करना रोहन वॉज हंगरी रोहन वॉज हंगरी का अब हम क्या बनाएंगे रोहन वॉज एज हंगरी एज अ बियर यहाँ पे बाई मिस्टेक से रोहित हो तो गया है तो यहाँ पे क्या आएगा रोहन रोहन वॉज एज हंग्री एज अ बीयर थर्ड है राज वॉज वेरी एंग्री इसका क्या बनेगा राज वॉज़ एज एंग्री एज अ बुल फोर्थ हर हैंड्स वर वेरी कोल्ड सो इसका अगर हम सिमली यूज़ करके बनाते हैं तो क्या बनता है हर हैंड्स वर एज कोल्ड एज आइस यहाँ पर देखो ऑप्शन दिए हुए हैं ना हमें उनमें से ही चूज़ करके बनाने हैं ओके फिफ्थ है माई इंटरनेट कनेक्शन इज़ फास्ट माई इंटरनेट कनेक्शन इज़ एज फॉर से लाइटनिंग सो ये हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया इसमें हमने क्या किया एक सेंटेंस दे रखा था नॉर्मल सेंटेंस जो होते असर्टिव ठीक है उसमें हमने सिम्बलीज का यूज़ करके मीन्स एज का यूज़ करके उस सेंटेंस को रीराइट किया है ओके सी पार्ट मैनी कॉमनली यूज सिम्बलीज कंपेयर पीपल टू एनिमल्स वट एग्जैक्टिव क्वालिटी इज असोशिएटेड विद दीज एनिमल्स वन इज़ डन फॉर यू अब कुछ ऐसी कॉमनली यूज सिमलिज होती हैं जब हम किसी पीपल या एनिमल को कंपेयर करते हैं तो उनकी क्वालिटी मंस वो किससे और क्यों मतलब क्वालिटी क्या है तो देखो फर्स्ट डन कर रखा है हमारे लिए बी एज बिजी एज हम नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी बोल देते हैं कई बार एज बिजी एज ओके अब देखो सेकंड ईल एज स्लिपरी एज एन ईल थर्ड देखो म्यूल एज स्ट बोर्न एज अ म्यूल फोर्थ क्या है आउल एज वाइज एज एन आउल फिफ्थ ओक्स एज स्ट्रॉन्ग्स एज एन ओक्स सो आज आपकी ये एक्सरसाइज क्या होती है इस चैप्टर की कंप्लीट इन नेक्स्ट वीडियो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे सो so, ये अच्छी अच्छी राइटिंग में अपनी बुक में लिखना है ओके थैंक यू